मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने घरफोड़ी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये तीनों आरोपी पहले से ही जेल में थे, मगर जेल से छूटने के बाद पुलिस ने घरफोड़ी के मामले में इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों आरोपी मुंब्रा, कलवा, दीवा जैसे इलाकों में घरफोड़ी की घटना को अंजाम देते थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ के मार्गदर्शन में मंगेश बोरसे नावले, दीपक जाधव, अनिल चौहान, राकेश येसी, तेजस परब, अर्जुन जुआटकर, प्रमोद जमदाड़े, अंकुश वैद्य ने इन तीनों आरोपियों को पकड़ा। इन तीनों के पास से सोने चांदी के जेवर, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पहले आरोपी का नाम सरफराज हुसैन सलीम खान 25 वर्षीय है, जो मुंब्रा के कौसा गांव का रहने वाला है। इसके पास से सोने के जेवर, चांदी की कटोरी, कंबल, एलईडी टीवी, इस्त्री, कुकर, बैग बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 4,54,500 रुपये बताई जा रही है। वहीं दूसरे आरोपी का नाम अरबाज फिरोज येलुकर 25 वर्षीय है, इसके पास से 5,070 रुपये कीमत की मोबाइल फ़ोन बरामद की गई है और पर्स भी बरामद किया गया है, जिसमें 20 रुपये थे। तीसरा आरोपी, इसने दीवा में घर फोड़ी की थी, ये रहने वाला कलवा शांति नगर का है। इसका नाम सुनील पावलेस कलम 20 वर्षीय है, इसके पास से 12 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिसमें से 6 पेटी पैक थे, जिसकी कीमत 2,10,000 रुपये बताई गई है। यानी कि इन तीनों आरोपियों के पास से 6,69,570 रुपये का माल बरामद किया गया है। इसकी जानकारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़ ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। मुंब्रा और दीवा में दो बड़ी घरफोड़ी हुई थी। उसमें मुंब्रा की जो घरफोड़ी थी वो 7,50,000 रुपये की थी। उसमें पुलिस स्टेशन के डीबी के इंचार्ज एपीआई बोर से इन्होंने एक जो पैरोल पे 26 तारीख को आदमी आरोपी छुटा था उसको अरेस्ट करके उसके पास से गहने और मोबाइल और जो घरेलू सामान चोरी हुआ था वो सब रिकवर किया है। जो गोल्ड जो चोरी हुआ था वो इंटैक्ट मिला है और आरोपी अटक किया है हम लोगों ने। दूसरी जो थी दीवा में एक घरफोड़ी हुई थी, उसमें मोबाइल चोरी हुए थे, जो सभी नए मोबाइल थे। वो 12 मोबाइल एपीआई सिरसागर और उनके टीम ने दीवा के डीबी के उन्होंने सब रिकवर किए और आरोपी को अरेस्ट किया है। तीसरा जो है, जो रॉबरी किया था एक पत्रकार के भाई की रॉबरी किया था तो उसकी रिकवरी किया है और वो आरोपी भी अरेस्ट किया हुआ है। तो ये तीन गुने डिटेक्ट हुए और नियर अबाउट 7 लाख तक माल रिकवर हुआ है जो आपके सामने है। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं और कितने आरोपी हैं? आरोपी जो पहले केस में था वो मुंब्रा का ही आरोपी है और वो जेल से छूटा था और जेल से छूटने के बाद उसने ये वारदात किया हुआ था। और दीवा का जो हुआ है वो कहाँ के आरोपी है? वो कड़वा का आरोपी है, वो भी जेल से छुटा हुआ आरोपी था। अच्छा। और जो रॉबरी का आरोपी है वो भी जेल से छुटा हुआ था, जेल से छूटने के बाद पैरोल पे छुटा था और पैरोल पे छूटने के बाद में उसने ये वारदात किया हुआ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।